हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने इंस्टाग्राम का ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। जो पुराने वाले ईमेल आईडी है उसको रिमूव करके आप अपने ईमेल आईडी कैसे उसमें दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो आइए यहां पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे, देन राइट कॉर्नर पे थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपको अकाउंट सेंटर का ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है, अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे। देन अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ऐड ईमेल एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐड ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी न्यू ईमेल है मैं इसमें ऐड करना उस ईमेल को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अगर आपका ये बॉक्स रेड हो जाता है एंड यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है या फिर किसी और डिवाइस में लॉगिन बताता है ये वाला ईमेल आईडी, तो आपको समझ लेना है कि ये वाला ईमेल आईडी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये वाले ईमेल आईडी किसी और अकाउंट में दिया हुआ है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी देना है। देने के बाद यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप लोग एक चीज देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, एडिंग दिस ईमेल एड्रेस विल रिप्लेस जो भी आपका पहले वाला ईमेल होगा वो ऑन दिस इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी जो आप लोग ईमेल आईडी में ऐड कर रहे हो ये ईमेल आईडी आपके अकाउंट में मेन पर्सनल डिटेल्स में आ जाएगा। अभी जो पहले से आपका ईमेल आईडी है जो कि मेरा ये वाला gaurabisen24@gmail.com ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, अब नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिले, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे इंटर योर कॉन्फर्मेशन कोड का ऑप्शन आएगा। अब जो ईमेल दिए हैं उस ईमेल पे कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारा कोड भी आ चुका है। यहाँ पे क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पे लेकर फिलअप कर देते हैं। कोड आपके जीमेल पे जाएगा, जो जीमेल आपने यहाँ पर दिया होगा उसी जीमेल पर आपका कॉन्फर्मेशन कोड जाएगा, उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उस कोड को डाल देंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताना। अभी देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव एडेड योर ईमेल एड्रेस टू द अकाउंट सेलेक्टेड, यानी हमारा जो अकाउंट है उसमें ये ईमेल आईडी ऐड हो चुका है। अगर आपको कॉन्फर्मेशन कोड नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे कि आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको फिर से आ जाना है अपने अकाउंट सेंटर पे। अकाउंट सेंटर पे आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से अपने ईमेल आईडी को चेंज करने वाले हैं, ईमेल आईडी को ऐड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको नीचे सिक्योरिटी चेकअप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस ऐड होगा वो ईमेल हमें देखने को मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस ईमेल को यहाँ से हटा देंगे एंड जो भी हमें न्यू ईमेल डालना है उस ईमेल को यहाँ पर क्या करते हैं कि डाल देते हैं। ईमेल डालने के बाद अब ऊपर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन अभी हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, हमारे इस ईमेल पर कॉन्फर्मेशन कोड जाएगा, उस कॉन्फर्मेशन कोड को हमें फिलअप करना होगा। तो हम अपना यहाँ पे ईमेल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारे ईमेल पर कोई कॉन्फर्मेशन कोड आया है या फिर नहीं आया है। अभी आप लोग देख सकते हो कि एक कॉन्फर्मेशन कोड आ चुका है। इस कॉन्फर्मेशन कोड को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम अपना कॉन्फर्मेशन कोड डाल दिए। उसके बाद ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से करके आप लोग भी अपने ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सो वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो नॉलेज वाली की होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।